ये भी हमारे पास एक चेन रूल की एग्जांपल है। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री होल पावर वन अपॉन टू। अगर अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है कि चीज़ के ऊपर जो है वो पावर वन अपॉन टू है। यहाँ पे होल फैक्टर के ऊपर अंडर रूट है तो होल फैक्टर के ऊपर आपकी पावर आ जाएगी वन अपॉन टू। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री होल पावर माइनस वन अपॉन टू। यही जब फैक्टर ऊपर आ जाएगा तो आपकी जो पावर है वो वन अपॉन टू से माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हम जो है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। अगर हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता और उसकी पावर माइनस वन अपॉन टू होती तब तो हम डेरिवेटिव ले सकते थे। लेकिन अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो होल पावर में चीज़ है इसको हम यू सपोज कर लेंगे, यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा देयर फॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी बाई डी एक्स ऑफ ये 2x प्लस 3 की जगह आ जाएगा आपका u की पावर माइनस वन अपॉन टू। अब दोबारा यही प्रॉब्लम है कि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो इनको सेम करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका du यू अपॉन डी एक्स। अब हम u का डेरिवेटिव ले सकते हैं तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा u की पावर माइनस वन अपॉन टू है तो सबसे पहले माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा और फिर u की पावर में आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। पावर जो होती है उसमें से हम माइनस वन कर देते हैं फिर हो जाएगा ये आगे d बाई डी एक्स और इस u की जगह पे आपका आ जाएगा 2x प्लस थ्री। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू और u की पावर माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू। और यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका सबसे पहले 2 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 u की पावर 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 0 2 होता है तो यहाँ भी आपका 2 बचेगा। ये आपका और ये और टू कैंसिल होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू की पावर थ्री अपॉन टू। अब हम यहाँ पे यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री होल पावर थ्री अपॉन। सबसे पहले तो हमारा क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, हमें इसका डेरिवेटिव लेना था, हमने बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो है ये अंडर रूट जो है या स्क्वायर रूट जो है इसको हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसकी पावर वन अपॉन टू है, तो यहाँ टू एक्स प्लस थ्री पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो पूरे टू एक्स प्लस थ्री की पावर वन अपॉन टू हो जाएगी। अब ये वन अपॉन 2x प्लस थ्री होल पावर 1 अपॉन टू है तो ये 2x प्लस थ्री वाला फैक्टर जब ऊपर आएगा तो आपकी पावर जो है वो 1 अपॉन टू से माइनस 1 अपॉन टू हो जाएगी। अब हमें जब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल x तो मौजूद नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, हम इसको सपोज कर लेंगे u। u सपोज करने के बाद जो है 2x प्लस थ्री की जगह पे आपका आ जाएगा u। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे u आ गया आपके पास। अब यहाँ पे u है और यहाँ पे x है तो हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका d बाई डी यू ऑफ u टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू डी यू बाई डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं तो हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे, माइनस वन अपॉइंट टू पावर है ये पावर कोफिशेंट बन जाएगी और पावर में से माइनस वन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो du बाई डी एक्स है यहाँ पे हम इस u की जगह पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे
माइनस वन अपॉन टू, और माइनस वन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, और यहाँ टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव लेंगे तो टू जो है वो कोफिशेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और थ्री का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका ज़ीरो। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यू की पावर माइनस थ्री अपॉन टू है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे और ये हो जाएगा आपका यू की पावर थ्री अपॉन टू, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टू बच जाएगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा माइनस वन अपॉन यू टू दी पावर थ्री अपॉन टू। आखिर में हम जो है वो यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे टू एक्स प्लस थ्री, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री होल पावर थ्री अपॉन टू।